तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है एबीआई में। पिछले लेक्चर में हमने ऑर्थोपोडा क्लासिफिकेशन देखा था और उसको कंप्लीट किया था। उसी श्रृंखला में हम आज मोलस्का के जो सामान्य लक्षण हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब जब हम मोलस्का नाम सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में आता है कि जो ऑर्थोपोडा था वह सबसे बड़ा संघ था, लेकिन विविधता की दृष्टि से अपन देखें और हम ऑर्थोपोडा की भांति इसकी तुलना करें तो मोलस्का ऐसा संघ है जिसमें दूसरे सबसे अधिक जीव आते हैं, मतलब यह दूसरा सबसे बड़ा संघ या फाइलम है। तो हम इनके सामान्य लक्षण देखें। तो जब हम मोलस्का के बारे में अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि इसका नाम किसने रखा, तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक हैं जॉनसन, उनका नाम आता है कि उन्होंने सर्वप्रथम नाम मोलस्का रखा। अब हम कुछ शब्दों का अध्ययन करें, जैसे कि कॉन्कोलॉजी। तो इसके अंदर जो ऑन्कोलॉजी शाखा है जीव विज्ञान की, उसके अंतर्गत हम जो संघ मोलस्का है उसके जो कवच या सेल पाए जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद में जो मेलेकोलॉजी होती है उसके अंदर हम मोलस्का के प्राणियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में मोलस्का का जो शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी के अंदर वो होता है कोमल शरीर, मतलब कि इनका शरीर एकदम कोमल होता है और इसके ऊपर इसकी सुरक्षा के लिए कैल्शियम का कवच पाया जाता है और उसके नीचे प्रवार पाई जाती है। यदि हम मोलस्का के विशिष्ट लक्षण की बात करें तो प्रवार का पाया जाना इसका विशिष्ट लक्षण है। प्रवार या मेंटल और जो अंतरांग पुंज होता है उसके बीच में गुहा पाई जाती है, जिससे हम मेंटल कैविटी या प्रवार गुहा कहते हैं। अब उसके बाद यदि अपन देखें कि जो मेंटल होता है उसके नीचे कुछ कोशिकाएं होती है, बॉडी होती है, वो सिक्रेशन करती है या अपना स्राव छोड़ती है, जिसके कारण जो कवच होता है उसका निर्माण होता है और धीरे धीरे कवच बनता जाता है। और हम यदि इनकी विविधता देखें तो जो मोलस्का संघ है उसके अंदर 80,000 जातियां शामिल की गई है। उसके बाद में हम कुछ बेसिक कैरेक्टर देखें जो कि उसके वर्गीकरण का आधार है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब कि त्रिजनन स्तरीय, इसके अंतर्गत एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों पाई जाती है। उसके बाद में द्विपार्श्व सममित यानी कि बायलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है, लेकिन जो वर्ग गैस्ट्रोपोडा में हम देखेंगे वहाँ पर टॉर्सन या एंथन के कारण जो द्विपार्श्व सममितता है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद में इनका शरीर अखंडित होता है और ये सिलोमेट यानी कि गुह्य प्राणी है, देव गुहा इसमें स्पष्ट रूप से पाई जाती है। उसके बाद में जो इसका शरीर होता है और उसके ऊपर मेंटल होता है उसके ऊपर कैल्शियम का कवच या सेल पाया जाता है जो कि पूरे शरीर को आवृत किए हुए रहता है। अब जब हम कवच की बात करते हैं तो कुछ प्राणियों में जो कवच है वो आंतरिक रूप से होता है, जिससे हम आंतरिक कवच कहते हैं, जैसे कि हम लोलिगो और ऑक्टोपस का उदाहरण देखते हैं। उसके बाद कुछ प्राणियों में या अधिकांश प्राणियों में जो कवच होता है वो बाह्य होता है, जैसे कि अपन यूनियो और पैदा के अंदर देखते हैं। उसके बाद में जब हम बॉडी की या शरीर की बात करते हैं तो इसका शरीर है वो शीर्ष यानी कि हेड, पार्ट यानी कि फुट और जो विसरल मांस यानी कि आंतरिक पुंज होता है जिसके अंदर की वाइटल ऑर्गन या जीवन आवश्यक अंग पाए जाते हैं उनमें विभाजित रहता है। तो फ्रेंड्स, जब हम अगला लक्षण देखते हैं और हेड पोर्शन यानी कि शीर्ष भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर नेत्र या आंखें, स्पर्शक यानी कि टेंटेकल्स और जो संवेदांग होते हैं यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स अर्थात आंखें आदि उपस्थित होती है। उसके बाद में जब हम पाद या फुट की बात करते हैं तो उसके जो फुट होता है
वो क्रीपिंग, बरोविंग और स्विमिंग। क्रीपिंग का मतलब रेंगने के लिए, बरोविंग मतलब खोदने के लिए। ऐसे जंतु जो बिलों के अंदर रहते हैं या मिट्टी के अंदर धंसे हुए रहते हैं उसके लिए, या फिर स्विमिंग यानी कि तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। उसके बाद यदि प्रीसंचरण तंत्र या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात की जाए तो यह ओपन टाइप का यानी कि खुला होता है, और इसका एक अपवाद भी होता है कि जो सिफेलोपोडा के जंतु होते हैं उनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो क्लोज टाइप का यानी कि बंद प्रकार का होता है, और यहाँ पर जो श्वसन वर्णक होता है वो हीमोसाइनिन होता है। साइनिन कहाँ से है तो साइनिन का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो श्वसन वर्णक होता है उसमें केंद्र धातु के रूप में कॉपर पाया जाता है, जिसके कारण जो इनके रक्त का रंग होता है वो नीला हो जाता है, और नीले से क्या आता है साइनिन, हीमो मतलब कि जो हीम समूह होता है उसके लिए है। तो श्वसन वर्णक यहाँ पर हीमोसाइनिन होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो रक्त का रंग होता है वो नीला हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर श्वसन की बात की जाए तो यह गिल्स के द्वारा हो सकता है, या फुफ्फुस की या पल्मोनरी सैक के द्वारा हो सकता है, या फिर मेंटल भी इसी में सहायता करता है। जब हम एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि जो जलीय जीव होते हैं उनकी बात करते हैं तो वहाँ पर श्वसन है वो गिल्स के द्वारा होता है, जो स्थलीय प्राणी होते हैं उसमें पल्मोनरी सैक के द्वारा होता है, और जो श्वसन में सहायता है वो प्रवार भी करता है, मतलब कि जो मेंटल या प्रवार होता है वो श्वसन अंग के रूप में सहायक, श्वसन के सहायक अंग के रूप में पाया जाता है। यदि अपन रेडुला की बात करें तो रेडुला उपस्थित होता है, और ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है मोलस्का संघ का, लेकिन इसका एक अपवाद आता है, जो बाइवाल्वीय वर्ग होता है जो प्लेकिपोडा वर्ग है उसके अंदर रेडुला अनुपस्थित होता है। अर्थात जो रेडुला होता है वो असंकारी अंग या फीडिंग ऑर्गन की भांति कार्य करता है, और इससे क्या होता है जो भोजन के कण है वो घिस जाते हैं और एकदम छोटे छोटे बारीक हो जाते हैं। उसके बाद में कुछ जंतुओं में ओस्प्रेडियम पाया जाता है। ओस्प्रेडियम एक रासायनिक संवेदांग है जो जल धारा मुख कुआ में प्रविष्ट करती है, उसकी रासायनिक जांच ओस्प्रेडियम द्वारा की जाती है। यदि उसके स्वाद में कुछ यदि उसके रसायनिक में या उसके रसायन में थोड़ा भी अंतर होता है तो वह उस जल को प्रवेश नहीं करने देता। उसके बाद में उत्सर्जन की बात करें तो यहाँ पर मेटानेफ्रिडिया या वोजेनस के अंग ऑर्गन ऑफ वोजेनस या फिर केबर के अंग या फिर ऑर्गन ऑफ केबर्स पाए जाते हैं। उसके बाद यदि विद्वन यानी कि क्लीवेज की बात करें तो यह सर्पिल यानी कि स्पायरल और निर्धारी यानी कि डिटर्मिनेट प्रकार का होता है। डिटर्मिनेट का मतलब यह है कि यदि हम किसी एक कोशिका को परिवर्धन अवस्था या विद्वन के समय निकाल लें तो उस कोशिका से बनने वाले अंग है वो नहीं पाए जाएंगे, यानी कि जो वयस्क होगा उसमें विकलांगता उत्पन्न हो जाएगी। और यहाँ पर परिवर्धन की बात करें तो यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का पाया जाता है। प्रत्यक्ष परिवर्धन के अंदर लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में लार्वा अवस्था पाई जाती है। उसके अलावा यदि अपन लार्वा की बात करें तो यहाँ पर ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, इसके अलावा ग्लोचिडियम लार्वा पाया जाता है। यदि अपन ग्लोचिडियम लार्वा की बात करें तो यह यूनियो का लार्वा होता है, और उसके बाद में वेलिजर लार्वा भी कुछ जंतुओं में पाया जाता है।